गुजरात की शान इंडियन जीरा चिकन, ये औरंगी बिहारी पसंदे स्पेशल कबाब, ये है स्पाइसी ग्रिल लिवर, ये बलोची गोल्डन चिकन है। बलोची भी आ गया, इटालियन भी आ गया, इंडियन भी आ गया। सर आपको दुनिया की कुजीन के अलग अलग जायके मार्च फूड पे मिलेंगे। हम जो है लोगों को राइस खिला के प्लेटर नहीं बनाते, हम रियल प्लेटर बनाते हैं जो डिफरेंट मीट डिफरेंट फ्लेवर अंडर वन प्लेट, इट्स कॉल्ड प्लेटर। वाह भाई वाह। हाँ भाई तो फिर चलो। वाह भाई वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये हो गया तैयार। और गोलगप्पे यहाँ पे आए ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आए गोलगप्पे ना खाएं, क्योंकि दिल मचल रहा है गोलगप्पे खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकत आबाद डाकखाने पे। और आप देख रहे हैं शोर शराबे से आपको पता लग रहा होगा कि भाई ये इलाका जो है ना इसकी वाइब ही अलग है। आज हम यहाँ पे आए हैं भाई ट्राई करने के लिए ज़हीम भाई का बारबेक्यू। ज़हीम भाई कौन है उनसे आपको मिलवाएंगे, उनकी एक कहानी है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे सामने नज़र आ रहा है ज़बरदस्त सा चिकन कॉर्न सूप, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। लियाकत आबाद के गोलगप्पे जो मशहूर हैं वो भी यहाँ पे हैं, तो काफ़ी कुछ स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने को है। सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं लियाकत आबाद में क्या हो रहा है। तो फिर चले। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में। क्या क्या है? सूप है, यखनी है, गोलगप्पे आइसक्रीम। गोलगप्पे आइसक्रीम, ये यखनी है? देसी मुर्गी की है सर। तो देसी मुर्गी की यखनी तो है, मुर्गी का है? मुर्गी खत्म हो गई। यार ये क्या बात कर दी यार, हम तो मुर्गी ढूंढ रहे हैं इसमें से निकलेगी अभी। कैसा है भाईजान सूप? बहुत जबरदस्त, बेहतरीन सूप। अंडे वाला 120 रुपए का, एक सूप अंडे वाला बनाओ। अच्छा था यार, अभी बना दे, अभी बना दो, अभी बना दो। प्याले में बनाएंगे ना यार, यही पियेंगे हम तुम्हारे साथ अभी। तुम्हें ज़्यादा यखनी पसंद है या तुम्हें ज़्यादा सूप पसंद है? दोनों पसंद है मेरे। कितने बजे खोलते हो? शाम को 4 बजे। 4 बजे से लेके कितने बजे तक? 4 बजे लेके सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे तक? जी सर। नहीं यार, और जब अभी गर्मी आ जाएगी फिर क्या करोगे? फिर ठंडे का काम अपना। ठंडे का क्या काम होता है? फालूदा, लिमका, आइसक्रीम, मिल्क शेक, आइसक्रीम शेक। तो बस शुरू होने ही वाला है क्या ठंडे का काम? होने वाला है शुरू। रमजान के बाद? रमजान से पहले? रमजान से पहले। अच्छा जी सर, ये तैयार हो गया? बिल्कुल। ये चीज सर्दी जो है ना वो अब जाने वाली है। कराची में तो आपको पता है कि थोड़ी दिन की सर्दी होती है, वो भी इस दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं आई, हल्की फुल्की सी आई। और बस बिस्मिल्लाह, मज़ा आया भाईजान? बेहतरीन भाई, बेहतरीन बेहतरीन। ये जो स्ट्रीट के ऊपर सूप मिलता है ना, मज़ेदार होता है यार। बिस्मिल्लाह चिकन कॉर्न एंड यखनी सूप, ये है भाई। और ये जो है ना, ये गोलगप्पे जो है लियाकत आबाद के मशहूर, उससे थोड़ा सा पहले लगा हुआ है। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो आपको और भी यहाँ पे सूप मिलते जाएंगे, और सबका जायका कमोबेश एक ही टाइप का होता है। यहाँ पे ये बराबर के अंदर आप देखें भाई, बराबर में जो है ना ये मूँगफली ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक है, खैरियत से? ज़बरदस्त। चले भाई सूप पी के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक बहुत है, बहुत शोर शराबा चल रहा है, जगह जगह आपको देखें यहाँ पे मिल रहा है भाई। यहाँ पे बिस्मिल्लाह स्पेशल, ये बिस्मिल्लाह के नाम से बहुत चीज़ें हैं यार। ये फालूदे का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ड्राई फ्रूट मिल रहा है, खजूरें मिल रही हैं। ये देखें भाई इधर जो है ये फल फ्रूट मिल रहे हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक है, ज़बरदस्त। तीनों कैसा मिल रहे हैं? 250 रुपये दर्जन। अच्छा वाह भाई वाह, बेर भी आए हुए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखें भाई आप, ये लियाकत आबाद के मशहूर गोल गप्पे। और ये यहाँ पे जो है ना, ये सामने पूरा डाइनिंग का सेटअप बना हुआ होता है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त। ये रश ही रश रहता है इस पर हर वक्त, मैं पहले भी आ चुका हूँ और अभी भी हर वक्त माशाल्लाह। देखें आप, ज़बरदस्त सीन बना हुआ है। ये देखें आप, गोल गप्पे बनते जा रहे हैं, प्लेटें बनते जा रही हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक है आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से? मज़े में, ठीक ठाक। सलाम वालेकुम, उम्मीद पर है ना शायद वो काम का नवाब। कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरे
ठीक ठाक है, मजे में। सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सलाम वालेकुम। एक महीना पहले करके आए आपकी बड़े काफी दोनों से बड़ी याद आ रही थी। और बताए गोलगप्पे के अलावा और क्या क्या है सर? हमारे पास आइसक्रीम फालूदा है, आइसक्रीम है, छोले चाट है, मीठे दही बड़े हैं। रात में कब तक खुले सर? हैं 3 बजे तक होते हैं हम, 1 बजे से रात 3 बजे। रहीम भाई के, रहीम भाई मशहूर हो गए। रहीम भाई बेच जा रहे हैं भाई, माशाल्लाह जबरदस्त क्वालिटी है उनकी, रहीम भाई की। अच्छा। और जो कस्टमर हम देख रहे हैं कि खाने के नहीं आ रहे तो रहीम भाई के पास वो दोबारा आ रहा है। तो ये क्वालिटी की पहचान है उनकी। हाँ भाई वाह, जबरदस्त और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। वाह भाई, देखे अभी रहीम भाई के पास मैं गया नहीं हूँ और रहीम भाई की तारीफें माशाल्लाह चल रही है। और गोलगप्पे यहाँ पे आए ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आए गोलगप्पे ना खाएं, क्योंकि दिल मचल रहा है गोलगप्पे खाने के लिए। एक प्लेट लगा दे यार। बिल्कुल रुपये की हो गई अब वही है सर, 150 रुपये की प्लेट है, 9 पीस की। 9 पीस की, 12 पीस वाली। बिल्कुल भाई, प्लेट बना के दो एक भाई। ये हो गए भाई प्लेट तैयार, जबरदस्त। ये देखिए भाई आप, ये जो गोल गप्पे है ना, बिस्मिल्लाह। मीठी चटनी, दही और ये पानी, सिंपल रेसिपी, जबरदस्त। हाँ भाई, गोलगप्पे खा के हम पहुंच गए हैं मार्ट फूड। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। लाइट गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो तो हर जगह की गई हुई है, आपको पता है शहर कराची है। ये है भाई रहीम भाई, और रहीम भाई की स्टोरी क्या है वो ये है कि 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, लियाकताबाद की पिछली गलियों में एक छोटी सी दुकान थी और वो खोली थी रहीम भाई ने, क्योंकि कोविड में इनकी अच्छी खासी एक जॉब थी, एक बड़े अच्छे पोस्ट के ऊपर ये जॉब करते थे एक रेस्टोरेंट में। लेकिन फिर इन्होंने स्टेप लिया, छोटी सी दुकान खोली और आज ये जो आप माशाल्लाह 2-3 दुकानों का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट देख रहे हैं मेन लियाकताबाद पे। तो ये अल्लाह ताला ने इनको बरकत दी, उनकी मेहनत थी, इनका टेस्ट था, लोगों ने पसंद किया और माशाल्लाह आज हम इनके सेकंड ब्रांच में आए। रहीम भाई सर अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, आपके टेस्ट में क्या सीन है ये? सर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहला नॉन ट्रेडिशनल बारबेक्यू मुतारिफ करवाया कोविड के अंदर और 16 और अल्हम्दुलिल्लाह आज 52 आइटम है, जो हर आइटम अपना स्पेसिफिक 52 आइटम अंडर 1 रूफ, इसमें आपको दुनिया की मल्टीपल कुजीन का टेस्ट मिलेगा। अच्छा भाई, मार्ट फूड के ऊपर रहीम भाई ने एक ज़बरदस्त चीज़ की है और वो ये कि आपको हर दिन जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट मेन्यू मिलेगा। जो मेन चीज़ें हैं सीख कबाब, बिहारी बूटी वगैरह, वो तो होती हैं, लेकिन चंद एक स्पेशल आइटम्स हैं जो कि आपको मिलेंगे हर दिन अलग 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 अलग। तो इनका मेन्यू आप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर जाके देख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इन्होंने स्पेशली आपने बनाई हुई कुछ चीज़ें। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, दिन से हटके भी बनाई हुई है ना सर, आपके मुझे वो हदाना कबाब और वो जो इनके शीश टोक वगैरह है ना, लेमन पेपर और मैक्सिकन चिकन, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी भाई। और आज यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या सीन है, बड़ा अच्छा एम्बियंस भी अंदर बना हुआ है, थोड़ा सा देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। है भाई? जी बिल्कुल सर। ये क्या थाली है? ये थाली है, ग्रीन और लेमन चिकन है ये। अच्छा, ये कोई थाली का भी सीन बनाया हुआ? जी 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 जी, इसमें ये एक थाली है, इसमें 6 डिफरेंट आइटम है, 5 पराठे हैं, इकोनॉमिकल है। हम जो है लोगों को राइस खिला के प्लेटर नहीं बनाते, हम रियल प्लेटर बनाते हैं जो डिफरेंट मीट डिफरेंट फ्लेवर अंडर 1 प्लेट, इट्स कॉल्ड प्लेटर। वाह भाई वाह। ये पराठे आ गए। ये रहीम भाई, ये क्या प्राइस है इस थाली की? ये मिक्स थाली है। अच्छा। इसके ये 1400 रुपीज है, इसके साथ 5 पराठे हैं और 6 डिफरेंट आइटम है, 3 चिकन 3 बीफ। अच्छा। एक बीफ कबाब थाली है जिसमें 5 बीफ के आइटम है,
एक चिकन का आइटम है जो डे स्पेशल जैसा आपने जिक्र किया, पांच पराठे के साथ, उसकी कॉस्ट है 1200 रुपीज़। ये पांच पराठे जो है छोटे वाले पराठे हैं, तो ये कितने बंदों के लिए सर? ये दो से तीन लोग खा सकते हैं, मगर हम रिकमेंड करते हैं फॉर टू पीपल, दो लोग आराम से पेट भर के खाएं। दो लोग रच के इसको आराम से खा सकते हैं, तीन भी खा सकते हैं, वैसे पांच पराठे इसके साथ है। लेकिन इसमें क्या है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अलग से चाहे तो आप अलग से भी जो आपको सीख बनवानी हो आप वो बनवा सकते हैं। देखो भाई, बात यह है कि अल्लाह ताला ने कारोबार में बरकत रखी है, और रहीम भाई उसकी एक मिसाल है कि इंसान को जो है ना वो स्टेप लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए थोड़ा सा, और अल्लाह उसमें फिर बरकत डालता है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, टेस्ट, मेहनत, लगन, ये सारी चीज़ें हैं और अल्लाह पे भरोसा। तो आप स्टेप लें, कारोबार में अल्लाह ने बरकत रखी है, और रहीम भाई की ये सेकंड ब्रांच इसकी मिसाल। मैं जिया भाई ये लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अक्सर लोग बहुत बड़ा रेस्टोरेंट या बहुत बड़ा स्टेप लेते हैं। देखें, अल्लाह ने आपसे कोशिश मांगी है, नतायज अपने पास रखें, और अल्लाह की मखलूक के साथ अगर आप लॉयल हैं तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, मामला जो है ना, मामला वो बड़े मैटर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भी कारोबार हो, कोई भी काम हो, उसके अंदर आपके लोगों से आपके मामला कैसे हैं, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है भाई। अखलाक, मामला ये सही कर लो, सब काम सही हो जाएंगे। और मेरा आप सबसे और जिया भाई आपसे भी वादा है, हमने इस ब्रांड को मक्का मदीना लेके जाना है इंशाल्लाह, और हाजियों को बेहतर से बेहतर खिलाना है। हमने पैसा नहीं, लोगों को खिलाना है, और एक दिन पाकिस्तान का नंबर वन ब्रांड मार्च फूड बनाना है इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आपसे मुलाकात हुई है मेरी, जद्दा में हुई थी लास्ट टाइम। आप जद्दा में मुलाकात हुई थी इनसे भाई, कैसे? ठीक है, कॉर्निश पे हुई थी आपके साथ। हाँ, कॉर्निश पे क्या क्या लेने आए? जी प्यारी बॉडी होल लेने आए। अच्छा अच्छा, भाई का रात को ब्लॉग देगा तब चक्कर। अच्छा जी सर, ज़बरदस्त। और सब साइड शुक्र अल्लाह का। हाँ भाई, तो फिर चले 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 भाई। आप सभी लोग जो है ना वो मुझे मिल जाते हैं सड़कों पे, गलियों में, चाहे अपना मुल्क हो चाहे पराया मुल्क हो। तो आप सब लोगों की मोहब्बत है ये, इसी तरह अपनी मोहब्बत दिखाते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई। थैंक यू सो मच। ये मार्ट फूड के बराबर में जो है ना ये वही सूप और यखनी भी यहाँ पर लगी हुई है, और इनके पास मुर्गी है, देसी मुर्गी है ये। चले भाई, ये लग रही है हमारी ग्रिल। क्या क्या लगा रहे हैं सर? ये है स्पाइसी थाई चिकन। स्पाइसी थाई चिकन, इसके अंदर हमने थाईलैंड के सॉसेज यूज किए हैं, वो जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। और ये गुजरात की शान इंडियन जीरा चिकन, इट्स कॉल्ड जीरा। गुजरात की शान जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, ये गुजरात के अंदर होती है कि नहीं है आप मुझे बताइएगा? इंडियन जीरा, इंडियन जीरा चिकन। अच्छा, इट्स नॉट जीरा, इट्स कॉल्ड जीरा। जीरा, जीरा तो जीरा ही हुआ ना सर? जीरा हुआ, मगर हम अपने वहाँ की परिणाम में जीरा हो गया। जी जी बिल्कुल, उर्दू में लेकिन जीरा ही होता है। जी 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 जी, ये औरंगी बिहारी पसंदे स्पेशल कबाब। वाह भाई वाह, जो आपको बहुत पसंद आए थे। और ये है स्पाइसी ग्रिल लिवर। ये अच्छा, कलेजी है ये? जी, ये टर्किश अदाना कबाब है, ये इटालियन बेजल चिकन है, ये बलोची गोल्डन चिकन है। ये बलोची भी आ गया, इटालियन भी आ गया, इंडियन भी आ गया। सर, आपको दुनिया की कुजीन के अलग अलग जायके मार्ट फूड पे मिलेंगे। अच्छा, ये है चिकन लबनानी बोटी। ये सारे वो आइटम है जो डे स्पेशल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें मैक्सिमम आइटम आपको डे वाइज मिल जाएंगे। डे वाइज मिलते हैं ना ये सारे? ये है रहीम भाई ने स्पेशली मेरे लिए भाई सारे दिनों के आइटम एक ही दिन में लगा दिए। ये ब्लैक पेपर कबाब है, सॉरी खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं। ये टर्किश शिश्तोक कबाब है। शिश्तोक कबाब जी, इतने में खाऊंगा कैसे? बिहारी धागा कबाब है भाई। वाह वाह वाह, आपको धागा कबाब मिलेगा, बिहारी धागा कबाब नहीं मिलेगा। बिहारी धागा कबाब तो नया आइटम है। और पाकिस्तान का पहला बारबेक्यू का चिकन स्टेक। अच्छा, चिकन स्टेक, ये चिकन स्टेक भी आपके लिए बना रहा हूँ मैं। और ड्रम स्टिक भी है इसमें? ये ड्रम स्टिक भी है, ये अंगारा हॉट ड्रम स्टिक है। अंगारा हॉट ड्रम स्टिक खाई होगी, अंगारा हॉट ड्रम स्टिक नहीं मिलेगी। स्पाइसी है ये? स्पाइसी है। ये सीन है भाई, तो रहीम भाई ने भाई ये तरह तरह के आइटम लगा दिए हैं जिनके नाम मुझको इस तरह से याद तो नहीं है जिस तरह इन्होंने एक एक करके बताए हैं, लेकिन सारे जो है ना ये बहुत ही यूनिक आइटम्स हैं। तो इनको अभी हम तैयार हो जाएं तो एक एक करके टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। रहीम भाई, कितने बजे रेस्टोरेंट ओपन होता है? सर अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे ओपन हो जाता है और रात 2 बजे तक हम अवेलेबल होते हैं।
ये इंडियन जीरा चिकन आ गई। कैटरिंग शुरू किया आपने कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और बहुत अच्छे पैमाने पे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कैटरिंग भी चल रही है? जी अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। शादी ब्याह के खाने भी ऑर्डर भी हो सकते हैं सर? कंपैरेटिवली मार्केट से हमारे रेट थोड़े से हाई हैं, मगर क्वांटिटी टेस्ट इसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी एरिया नहीं मिलेगा। अच्छा, क्योंकि वी आर द रिसर्च और R&D डिपार्टमेंट है हमारा, रेसिपी बेस्ड रेस्टोरेंट है। अच्छा, दिन के अलावा अगर दिन के स्पेसिफिक जैसे किसी को मंडे की चीज़ फ्राइडे को चाहिए तो? सर 12 बजे से पहले मुझे कॉल कर दें, दोपहर 12 बजे से पहले। हाँ, मैं ताकि आप मसाला वगैरह उसके हिसाब से तैयार करें, क्योंकि मैक्सिमम आइटम की ओवरनाइट मैरिनेशन होती है। नॉन ट्रेडिशनल बनाना कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल बारबेक्यू से बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। इतनी सारी वैरायटी भाई ने लगा दी माशाल्लाह भाई। ये बड़ा अच्छा इन्होंने डाइनिंग एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है, कलरफुल सा, लेकिन मैं बैठूंगा यहाँ पे बाहर, क्योंकि बाहर बैठने से ज़रा रौनक रहती है, आपको पीछे का एनवायरनमेंट भी नज़र आता रहेगा। खाना आ गया भाई हमारा और बहुत सारे आइटम यहाँ पे रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल बारबेक्यू से हटके काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं माशाल्लाह। और सबसे पहले जो है ना वो मैं ट्राई करूँगा ये जो चिकन लीवर है, ये बड़ा मुझे डिफरेंट लग रही है, टेम्पटिंग लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई, बात यह है कि चिकन मीट इसका बारबेक्यू तो आपको नॉर्मली मिल ही जाता है, लेकिन ये लिवर जो है ना इस तरह से इतनी ज़बरदस्त, ये आपको हर जगह नहीं मिलती। बहुत मज़ेदार है। चार तरह के कबाब है भाई यहाँ पे, ये अदाना कबाब, ये शीश तोक, ये ब्लैक पेपर और ये लेमन पेपर। और ये कबाब जो है ना, ये अदाना कबाब, बारबेक्यू इनके ऐसे हैं कि बस आप जो है ना वो रूखे खाते जाएँ। ये भाई इंडियन जीरा चिकन, ये जो है ना ये भी ज़रा कह रहे हैं गुजरात के आइटम है, ये टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, हल्की सी खटास भी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और जो ज़ीरा है वो इसके अंदर है, तो ज़ीरे का खुशबू, ज़ीरे की टेस्ट उसके अंदर आ रही है। ये आइटम भी नॉर्मली आपको नहीं मिलता है, डिफरेंट चीज़ है। ये आ गई एक्स्ट्रा हॉट ड्रम स्टिक, ये एक्स्ट्रा हॉट ड्रम स्टिक आ गई, और ये आ गया चिकन स्टेक। चिकन स्टेक ये है भाई, बलोची गोल्डन चिकन। अच्छा, मोस्टली जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे वो बोनलेस है सिवाय ड्रम स्टिक के। और अच्छी बात ये है कि ज़्यादातर जो इन्होंने आइटम यूज़ किए ना वो थाई के बोटी से यूज़ किए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जूसी चिकन आपको महसूस हो रही है। ये भाई अंगारा हॉट ड्रम स्टिक, तो यानी कि अंगारा भी है और हॉट भी है, तो इससे आप समझ जाएँ कि यकीनन ये थोड़ी स्पाइसी होगी। मसाला बड़ा जबरदस्त है यार ड्रम स्टिक के अंदर। भाई ये ड्रम स्टिक जो है ना ये तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बहुत आला यार, मजेदार। ये भाई लेमन चिकन, कबाब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कबाब के मुकाबले में मुझको जो चिकन की ये बोटियाँ हैं ना, ये जो लेमन चिकन हो गया, ड्रम स्टिक हो गई, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। लेकिन कबाब की वैरायटी इनके पास बहुत सारी है, मतलब ये ब्लैक पेपर आ गया, ये ओए ओए ओए, कबाब भी किसी से कम नहीं है भाई, कबाब का जोड़ बनता है भाई पराठे के साथ। ये कबाब जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, तो इसके अंदर स्पाइस ज़्यादा नहीं है, हल्का स्पाइसी है, बहुत ही जूसी। आप देखें तीमा जो है ना, हरा धनिया, पुदीना, अनियन, तीमा, इन सब का ज़बरदस्त जोड़, और ये इनके हल्के ज़बरदस्त से ब्लैक पेपर ही है इसके अंदर, और ज़्यादा मसाले नहीं है। थोड़ी ये चटनी लगाइए, आला। ये भाई औरंगी बिहारी पसंदे, सरसों के तेल के अंदर इसकी मैरिनेशन होती है। धागा कबाब तो हमने बहुत खाए हैं, लेकिन ये बिहारी धागा है, ये धागा आप इसका अलग कर लें। धागा कबाब को भी मैं ऐसे ही खाता हूँ। ये स्पाइसी थाई चिकन,
ये भाई चिकन स्टेक, ब्रेस्ट का पीस है ये, बारबेक्यू स्टाइल के अंदर इन्होंने इसको बनाया है क्योंकि बारबेक्यू के स्पेशलिस्ट हैं। ये भी हल्का स्पाइसी है भाई, इतना सारा बारबेक्यू है और सारी चीज़ें अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन तीन चार चीज़ें मुझे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। उनमें से एक ये चिकन लिवर है, स्पाइसी लिवर बहुत मज़ेदार लगी मुझे। बलोची गोल्डन ब्यूटी वो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये ड्रम स्टिक, ब्लैक पेपर कबाब, शीश टोक, तो ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप हर दिन आके डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू भी ट्राई कर सकते हैं और जो रूटीन के बारबेक्यू होते हैं वो तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। अच्छा भाई, खाना तो हमने खा लिया मार्ट फूड पे और बराबर में यहाँ पे ये सूप तो है, लेकिन सूप के बाद फिर यहाँ पीछे गोला लिमका वगैरह भी मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल? खैरियत से? ठीक ठाक है? क्या क्या है यहाँ पे भाई? हमारे पास लिमका है, सूप है, आइसक्रीम है, फालूदा है, गोला गंडा है। अच्छा 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 अच्छा, तो आप बताएं फालूदा खाएं या गोला गंडा खाएं या क्या करें? आप फालूदा खाओ। फालूदा कितने का है? फालूदा फालूदा है भाई 200 का भी है, 150 का भी है, 250 का भी है। कौन सा वाला आप क्या रिकमेंड करते हैं? मटका फालूदा है 500 रुपए का। मटका फालूदा तो बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा। दो आदमी 200 वाला मेरे ख्याल में सही रहेगा ना? बेहतरीन है, 200 वाला कर ले। बैठो आप, जबरदस्त। ये क्रीम है, ये रूह अफ़ज़ा है। कुल्फा और पिस्ता आइसक्रीम, नीचे इसके नूडल्स डाले गए हैं, क्रीम डाली गई है, ऊपर से यह आ गया कंडेंस्ड मिल्क। 200 रुपीस का स्पेशल फालूदा तैयार हो रहा है भाई। ये बादाम पिस्ते ओपरा, ये आ गई किशमिश, किशमिश आ गई है। वाह भाई वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये हो गया तैयार तैयार। ये चीज़ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो क्रीम नीचे डाली ना इन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त। यूजुअली लोग दूध डालते हैं, लेकिन ये अच्छी खासी इन्होंने जो है ना वो क्रीम डाली है और आइसक्रीम के साथ कंडेंस मिल्क और मेवे, जबरदस्त मज़ा आ रहा है भाई। ज़बरदस्त फालूदा अंकल, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त बेहतरीन भाई। मार्ट फूड की नईम भाई की जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना कोविड के बाद, उसका नाम मैंने रखा था छोटी दुकान ऊंचे पकवान, लेकिन आज माशाल्लाह भाई की दुकान भी ऊंची हो गई है और पकवान तो इनके ऊंचे है ही। अल्लाह का एहसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का एहसान है। तो भाई आप भी मार्ट फूड पे आएँ माशाल्लाह और मज़े के खाने इन्जॉय करें। बराबर में फालूदा है, सूप है, उसको भी इन्जॉय करें। और आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमें अपनी दुआ में याद करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।